कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज के फिजिक्स फाउंडेशन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, प्राविद्युत पदार्थ और ध्रुवण, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र और धारिता से रिलेटेड टॉपिक्स, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। संधारित्र से रिलेटेड तो न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है, या फिर उससे रिलेटेड जो बड़ा क्वेश्चन है 3 और 4 मार्क्स वाला, उस तरीके का क्वेश्चन भी जरूर आता है। IIT, NEET, Air Force, JEE जो भी हमारे एग्जाम है, उन सब के अंदर भी जो है कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो आप जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, साथ ही जब मैं आपको न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो उसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के से रिलेटेड पॉइंट है, रिपीटेड क्वेश्चन से आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट, हम आज से एक माइलस्टोन और करेंगे, एक टारगेट फिक्स करेंगे कि हमारे हर वीडियोस में कम से कम 100 लोग तो आए आए, 100 लोगों का व्यूज तो आना ही आना चाहिए। 100 व्यूज आएंगे तो हमें भी फायदा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो उनकी भी फिजिक्स अच्छी होगी, साथ ही साथ मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि देखो ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं तो मैं भी आपके लिए उतनी मेहनत करने वाला हूँ कि नहीं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे तो उनके लिए अलग से अलग स्पेशल क्वेश्चंस आने चाहिए, अलग से अलग कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो मैं भी आपको बहुत अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, मोटिवेट होऊंगा, थोड़ी खुशी आपको भी होगी, थोड़ी मेरे को भी होगी। ये टारगेट हम दोनों को मिलकर पूरा करना है, ठीक है। कुछ लोग मेरे से जुड़ेंगे, कुछ लोगों को आप जोड़िए ताकि उनको फ्री कोचिंग मिल सके। एक तरीके से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग जा नहीं सकते कोचिंग, या जो अलग अलग टीचर से पढ़ चुके लेकिन जिन्हें फिजिक्स नहीं आती है ढंग से, वो यहाँ जुड़े। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास व्यूज है। तो हमारा पहला टारगेट है 100 व्यूज का, यह आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें 100 व्यूज चाहिए ही चाहिए, तो आप जो है इस टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद करें, क्योंकि टारगेट आप और मैं दोनों मिलकर ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। धारिता, तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है धारिता। धारिता होती क्या है? तो देखो, किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण या धारण करने की क्षमता, को धारिता कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, और भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रखी है, सारी एक चीज बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। फिलहाल चालक की आवेश ग्रहण करने की, आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। धारिता किसी भी चालक का वो गुण होती है जिसकी वजह से कोई चालक जो उसके पास आवेश आते तो उन्हें अपने पास रख पाता है, ठीक है। जिसकी धारिता जितनी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा, उतने ज्यादा आवेश अपने पास रख पाएगा। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, उतना ही ज्यादा विभव होगा। हमें तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। फिलहाल सब प्रायोरिटी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कोई भी कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। तो इसलिए हम हमेशा जो भी काम करते हैं धारिता बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि किसी कंडक्टर को मान लो ये आपके पास चालक है, इसको मैं, इसके पास अभी कुछ भी नहीं है तो इस पर विभव जीरो है। यदि इसको मैं क्यू आवेश दे दूं, और यदि क्यू आवेश देने पर इसके पास विभव में वृद्धि भी हो जाए, अभी कुछ नहीं है तो विभव में वृद्धि हो गई, मतलब यही इसके ऊपर विभव भी आ गया है। अलग अलग बातें होती है एग्जाम में, कई कुछ लोग बोलते हैं कि अनावेशित गोले को यदि आप आवेश दे दो उस पर विभव भी आ जाए, या कई जगह ऐसे लिखा होता है कि यदि किसी चालक को क्यों आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो जाए। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान देना, यदि आवेश पर कोई विभव नहीं है तो जो विभव में वृद्धि होगी वही तो उसका विभव भी होगा। तो ये बात ध्यान रखना, यदि किसी आवेश को क्यों चार्ज देने पर उसके विभव में वृद्धि भी हो जाए, असली डेफिनेशन ये है, हमें विभव में वृद्धि से मतलब है, मतलब इसके पास यदि वोल्टेज 0 है बाद में वी वोल्टेज आ गया तो विभव में वृद्धि भी हो गई है, उसके बाद विभव भी उसके पास भी हो गया है। आई मेरी बात समझ में? वृद्धि भी यही हो गई और हो भी यही गया इसके पास, ठीक है। लेकिन यदि इसके पास पहले से कुछ प्रेजेंट हो और बाद में बढ़कर कुछ हो जाए तो हमें जो वो चेंज हुआ है उससे मतलब है, ठीक है। तो यदि किसी चालक को आप क्यों आवेश दे और क्यों आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो जाए तो विभव में होने वाली वृद्धि, ये विभव में होने वाली वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। तो देखो क्यों आवेश जो है वो समानुपाती होगा, भी लिखा ऐसे जाता है, बोला ऐसे जाता है कि होने वाली विभव में वृद्धि जो है क्यों आवेश के समानुपाती होती है। और जैसे समानुपाती का चिन्ह आता है एक कांस्टेंट आता है और ये फॉर्मूला आता है क्यू इक्वल टू सी। ये जो सी है
इसी को ही धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखो धारिता का सूत्र होता है क्यू अपॉन वी, ये इसका फॉर्मूला है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनका ग्राफ इससे बनेगा, क्यू एंड वी का ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैं एंगल बना देता हूं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मैं प्रीवियस चैप्टर्स में भी बता चुका हूं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आप भूले ना, क्योंकि आपको यदि फॉर्मूला याद रहता हो ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं अपन धारिता के बारे में। सबसे पहले धारिता देखो, धारिता कब बढ़ सकती है और कब कम हो सकती है। सबसे पहले देखो सी के हिसाब से देखा जाए तो विभव में कमी हो तो धारिता बढ़ जाएगी। धारिता कब बढ़ेगी? जब विभव में कमी हो, और यदि विभव में कमी है तो धारिता बढ़ती है, तो इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा आवेश इस पर रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आवेश धारण कर सकता है। देखो होता क्या है, मैं आपको एक्चुअली बता दूं विभव में वृद्धि कम कैसे हो सकती है। देखो मैं इसको क्यों चार्ज दे दिया, विभव वी हो गया, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज तो ज्यादा विभव, विभव का होता है डब्ल्यू ऊपर जाए क्यू। जब विभव ज्यादा है इसका मतलब मुझे कोई भी आवेश और लाना है, मान लो मैं स्मॉल क्यू और लेके आता हूं यहां पर, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम ऐसे सोचते हैं कार्य ज्यादा से ज्यादा करना पड़ रहा है तो आवेश भी ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, नहीं। कार्य करना क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि इसके पास जो आवेश है वो उस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वो इसको अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, और मुझे उस अपोजिट फोर्स के खिलाफ काम करके आना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये चार्ज इसे देना पड़ेगा। तो यदि ज्यादा से ज्यादा ये फोर्स लगाएगा तो सामने से यदि मैं आ रहा हूं तो इसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा, और यदि इसके अगेंस्ट मैं काम करूंगा तो यदि ज्यादा से ज्यादा फोर्स यदि मेरा विरोध कर रहा है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आवेश को काम करके ज्यादा से ज्यादा जोर से धक्का मारकर आवेश को वहां पर लेके जाने पड़ेंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा कार्य करूंगा तो हो सकता है ये पॉसिबल भी हो जाए, मैं एबल भी हूं क्या नहीं हूं इतना कार्य करने के लिए। इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं एबल हूं तो मैं चार्ज दे सकता हूं, यदि मैं एबल नहीं हूं तो मैं चार्ज नहीं दे सकता। तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि सामने से फोर्स कम लगे। सामने से फोर्स कब कम लगेगा? जब वहां विद्युत क्षेत्र कम होगा। जब वहां विद्युत क्षेत्र कम है, विभव कम है, तो मुझे कम काम करना पड़ेगा, कम जोर आएगा, और मैं आसानी से वहां पे आवेश जो है ट्रांसफर कर सकूंगा। जब मैं आवेश ज्यादा से ज्यादा वहां ट्रांसफर कर सकूंगा तो उसकी धारिता में वृद्धि है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका अपना आवेश स्टोर कर पाएगी। धारिता में वृद्धि क्यों है? क्योंकि वहां पे विभव का मान कम हो गया है। यदि वह विभव का मान कम हो गया, धारिता बढ़ गई है, विभव का मान कम होने से मैं भी ज्यादा से ज्यादा आवेश उसे दे सकता हूं, और चालक भी ज्यादा से ज्यादा आवेश अपने पास रख सकता है। आई मेरी बात समझ में? तो देखो इसलिए धारिता बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र कम करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत देखो क्योंकि विभव बराबर होता है ई रो डी आर, अपने पढ़ा है, ठीक है। तो यदि विद्युत क्षेत्र कम है तो विभव भी कम है, और यदि विभव कम है तो धारिता बढ़ी, धारिता बढ़ गई तो हम ज्यादा ज्यादा आवेश उसे दे सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में? हम जितने भी जो भी मेथड यूज करेंगे वो धारिता बढ़ाने के लिए करेंगे, और धारिता बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है विद्युत क्षेत्र का कम होना। यदि विद्युत क्षेत्र कम हो गया तो विभव ऑटोमेटिक कम होएगा, और यदि विभव कम हो गया तो धारिता भी बढ़ेगी। अब देखो धारिता, धारिता का जो मात्रक है वो होता है कूलाम पर वोल्ट, क्यू यानी कूलाम, वी यानी वोल्ट। अब देखिए कूलाम पर वोल्ट या फेरेड, इसको फेरेड भी लिखा जा सकता है, और अधिकतर एग्जाम में फेरेड ही आता है। अगर मेरी बात समझ में? देखो यदि आपको इसकी विमाएं निकालनी है तो आप क्या करेंगे, कूलाम को क्या लिख सकते हैं विमाओं के लिए, कूलाम को लिख सकता हूं, चलो फिलहाल मैं कूलाम लिख देता हूं, वोल्ट को लिख सकता हूं मैं जूल पर कूलाम, कूलाम ऊपर चला गया तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर जूल। कूलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर सेकंड स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर। अब आप यहां से डायमेंशन लिख सकते हैं आराम से। आगे मेरी बात समझ में? इसके अलावा एक और बात बताऊं, ये जो है अदिश राशि है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो धारिता क्या है? अदिश राशि, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और बताता हूं मैं आपको यहां से, देखो सी क्यू इक्वल होता है सी वी, यदि विभव में वृद्धि एक वोल्ट हो, विभव में वृद्धि कितनी हो एक वोल्ट, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। तो मैं इसे लिख सकता हूं, यदि किसी चालक को कुछ आवेश दिए जाए और आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो जाए,
तो उस चालक की धारिता जो है वो दिए गए आवेश के मान के बराबर होती है। आई मेरी बात समझ में? क्या कह सकते हैं कि आवेश का वो मान जो विभव में वृद्धि एक वोल्ट कर दे, आवेश का वो मान जो विभव में वृद्धि कितनी कर दे, एक वोल्ट कर दे, आवेश का वो मान जो विभव में वृद्धि एक वोल्ट कर दे, तो इसका मतलब है वो उसकी जो धारिता है वो जो है उस दिए गए आवेश के मान के बराबर ही होगी। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, मैं तीन बार रिपीट कर चुका हूं। आवेश का वो मान जो विभव में वृद्धि एक वोल्ट कर दे, तो आवेश का वो मान धारिता के बराबर होगा। इसका मतलब किसी चालक की धारिता उसी आवेश के बराबर होगी जो जो चालक पर विभव में वृद्धि एक वोल्ट कर दे। आगे मेरी बात समझ में? ये भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसके अलावा कभी कभी एक फेरड की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। एक फेरड, फेरड को ऐसे शो करते हैं। एक फेरड की डेफिनेशन देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, सी इक्वल्स होता है क्यू अपॉन वी। सी यानी एक फेरड, क्यू यानी एक कूलम लिख देता हूं, यानी लिखता हूं एक वोल्ट। तो एक फेरड की डेफिनेशन क्या लिखी जा सकती है, यदि एक कूलम चार्ज देने पर विभव में वृद्धि एक वोल्ट हो, यदि एक कूलम चार्ज देने पर विभव में वृद्धि एक वोल्ट हो, तो इसका मतलब चालक की धारिता कितनी है, एक फेरड है। ठीक है, या ऐसे कह दूं किसी चालक की धारिता एक फेरड होगी, किसी चालक की धारिता एक फेरड होगी जब उसे एक कूलम आवेश देने पर उसमें विभव कितना वोल्ट बढ़ जाए, एक वोल्ट बढ़ जाए। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, आपको जब ये बातें पता होगी तो ही आप वहां पर जो एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी मैं आपको कुछ और बताता हूं। गोले चालक की धारिता, अब देखिए किसी गोले चालक की धारिता कैसे निकाले। मान लो मेरे पास एक गोला है ये, ठीक है, कोई भी गोले चालक है जिसकी त्रिज्या r है और इस पर q आवेश दे दिए मैंने। जैसे ही इस पर q आवेश आए, इस पर विभव कितना हो गया, v। तो किसी भी चालक गोले चालक को q आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर विभव v आता है, तो v का फॉर्मूला होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए विभव का फॉर्मूला था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मुझे यहां पे धारिता चाहिए, तो धारिता इज इक्वल होता है q अपॉन v। अभी पढ़ा था अपने आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभव में वृद्धि, तो आवेश हमने q दिया है लेकिन विभव कितना आ गया इस पे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। q से q कैंसिल हो गया है, c इक्वल टू बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये धारिता का सूत्र हो गया। कब, जब निर्वात उपस्थित हो, मतलब माध्यम नहीं हो। माध्यम की उपस्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में 4 पाई एप्सिलॉन की जगह आप ओनली एप्सिलॉन ही आएगा, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, और आर आर यहाँ पे परावैद्युतांक है। क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात आप फॉर्मूला जो है बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है एक दो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से दोनों, एक गोले चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफेरेड है, वायु में धारिता 2 पिकोफेरेड है, और माध्यम की उपस्थिति में धारिता 12 पिकोफेरेड हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, तो परावैद्युतांक क्या करो। तो मैंने आपको परावैद्युतांक पढ़ाया था तब भी फॉर्मूला लिखा था, मैं आज और लिखा देता हूँ, सी अपॉन सी नॉट। जिसके नॉट लगा होता है इसका मतलब वो निर्वात की बात चल रही है या वायु की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये धारिता वायु की धारिता और ये धारिता किसके, माध्यम की धारिता है। तो सी माध्यम में धारिता 12 पिकोफेरेड, पिको यानी 10^-12 होती है। ठीक है, और सी नॉट 2 पिकोफेरेड है, 2 × 10^-12, -12 से -12 और यहाँ कैंसिल हो गया, तो परावैद्युतांक क्या गया, सी 6। अब देखो परावैद्युतांक का जो मान है वो विमा राशि, इसका मतलब इस पर कोई विमा नहीं आएगी, कोई मात्रक नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो
इसीलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। यदि दो चालक जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग त्रिज्याएं हैं, लेकिन समान आवेश से आवेशित करने पर, इसका मतलब आपने आवेश इन दोनों को क्या किया है, समान किया है, करने पर विभव का अनुपात इतना हो जाता है, कितना, V1 बटा V2 कितना हुआ, 1/2। धारिताओं का अनुपात ज्ञात करो, हमें धारिताओं का अनुपात चाहिए। तो देखो धारिताओं का अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सीधी सी बात है, C1 बराबर होता है Q1/V1, Q/V है, 1/1 लगा सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने यहाँ स्मॉल क्यों लिखा है, यहाँ कैपिटल क्यों लिखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप मेंशन कर दो, यदि आपने स्मॉल क्यों लिया है तो आप स्मॉल क्यों ले लो, और कैपिटल क्यों लिया है तो कैपिटल क्यों ले सकते हो। आप देखो C2 की बात करते हैं, C2 बराबर क्या होगा, Q2/V2। इसी तरीके से मुझे इसका अनुपात चाहिए तो C1/C2, तो मैं लिख सकता हूँ Q1/V1 Q2/V2। Q1 और Q2 दोनों सेम है तो Q1 से Q2 कैंसिल, V2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा V2/V1। अब V2 की वैल्यू देखो क्या है, V2 की वैल्यू 2 है, V1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2:1, तो इसका मतलब C1/C2 का वैल्यू रहेगा 2/1। अब देखो यहाँ से एक बात और जो निकल रही है वो मैं आपको बता दूँ, देखो जिसका विभव ज्यादा है उसकी धारिता कम है, जिसका विभव कम है उसकी धारिता ज्यादा है। तो मैंने पहले कहा था कि जिसका विभव कम होता है उसकी धारिता ज्यादा होती है, क्योंकि विभव कम होता है इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़ता है, कार्य कम करने का मतलब है सामने से हमारे को बल कम लग रहा है, कम बल लग रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा आवेश उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और हाँ जो हमने टारगेट बनाया है व्यूज का, वो टारगेट अब हमें पूरा करना है दोनों को मिलकर, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सके, और या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो मैथ्स चल रही है वहां पर जुड़ सके, क्योंकि पुलिस की, पटवारी की अभी वैकेंसी आने वाली है, SSC की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उनके कोचिंग के पैसे वेस्ट ना हो और चैनल से ही उनकी जो है मैथ्स बहुत हाई प्रोफाइल उनको तैयार हो जाए। आगे मेरी बात समझे, आप किसी भी तरीके से उनको जोड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नई वीडियोज में, जहां हम संधारित्र और संधारित्र के जो गुण उनके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड है उसकी धारिताएं बढ़ाने के तरीके, या फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला वीडियो भी आप मिस मत करना और कंटिन्यू रहना, पीछे की पूरी क्लासेज आप पढ़ते रहना, ताकि बार बार जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे आपको वो ढंग से याद हो जाएगा, मूवी की तरह। ये मत सोचना कि एक बार वीडियो देख लिए हाँ हमें आ गया, आप उसे बार बार देखते रहिए, 2-3 दिन के बाद वापस रिवाइज करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको वो टॉपिक इतना फटाफट और कंटेस्ट याद हो जाएगा कि एग्जाम आते ही आप लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नई वीडियोज में नए टॉपिक्स के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।